वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को पार्टी अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। खड़गे 24 साल बाद गांधी परिवार से इतर कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले पहले और 137 साल पुरानी पार्टी के छठवें निर्वाचित अध्यक्ष हैं। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द ही अपनी नई टीम का गठन करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ये त्याग पत्र अभी तक मंजूर नहीं हुए हैं। ऐसे में नई टीम के गठन तक पदाधिकारी अपने पद पर बने रहेंगे। हालांकि एक तरफ जहां खड़गे ने अध्यक्ष पद संभालते ही भाजपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीते दिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस मौजूदा केंद्र सरकार के झूठ और नफरत के सिस्टम को ध्वस्त करेगी। आने वाली चुनौतियों का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात के साथ साथ अन्य राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाजपा को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ खड़गे के लिए AICC में अपनी नई टीम का गठन करना आसान नहीं है। पदभार संभालने के साथ ही उन्होंने उदयपुर नवसंकल्प के तहत 50% हिस्सेदारी 50 साल से कम उम्र के लोगों को देने का ऐलान किया है। पार्टी अध्यक्ष इस फॉर्मूले पर अमल करते हैं तो कांग्रेस कमेटी की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। AICC की पदाधिकारियों की फहरिस्त में 10 महासचिव और 12 प्रदेश प्रभारी हैं। इसके साथ ही करीब 6 दर्जन सचिव और संयुक्त सचिव हैं। कांग्रेस अध्यक्ष 50 से कम उम्र फार्मूला अगर लागू करते हैं तो AICC में कम से कम आधे महासचिव बदल जाएंगे, क्योंकि सभी महासचिवों की उम्र 50 या उससे ज्यादा है। प्रदेश प्रभारियों में भी तेलंगाना के प्रभारी मणिक टैगोर को छोड़कर सभी की उम्र 50 साल से ज्यादा है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे को करीब 50% नए लोगों को प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपनी होगी। सचिव और संयुक्त सचिवों में भी आधे से ज्यादा 50 से ज्यादा की उम्र के हैं। ऐसे में नए लोगों को मौका देना होगा। कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में AICC में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। ज्यादातर पदाधिकारी लंबे वक्त से किसी न किसी पद पर समिति में बने हुए हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा लोगों के पास संगठन में काम करने का अनुभव नहीं है, जिसके चलते खड़गे के लिए नई टीम के लिए लोगों को तलाशना मुश्किल है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि खड़गे के पास इतना वक्त नहीं है कि वह नए लोगों को अपनी टीम में शामिल करें और उन्हें संगठन के लिए प्रशिक्षित करें, क्योंकि वर्ष 2024 तक लगातार विधानसभा और लोकसभा चुनाव हैं। ऐसे में खड़गे पर बेहतर प्रदर्शन का भी दबाव रहेगा। इसके लिए उन्हें अनुभवी लोगों की जरूरत होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।